सोना सोवरण स्मारक उच्च विद्यालय की 30वां स्थापना दिवस सहौलिचगी लिपि संताली भाषा दिवस बुधवार को रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में गोमिया के विधायक डॉ. लंबोदर महतो की धर्मपत्नी कौशल्या देवी बतौर मुख्य अतिथि व TTPS के DGM अशोक प्रसाद, विद्यालय के सचिव धनीराम मांझी, थाना प्रभारी रतन कुमार, TTPS सरना महाविद्यालय के प्राचार्य रामजी तिवारी विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। सभी उपस्थित अतिथियों को स्कूल प्रबंधन की ओर से शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती कौशल्या देवी के द्वारा दिशोम गुरु शिबू सोरेन के माता पिता सोना सोवरण के निमित्त विद्यालय पर दोनों दिवंगत की तस्वीर व पंडित रघुनाथ मुर्मू की तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित कर नमन किया गया। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि कौशल्या देवी ने कहा, ललपनिया क्षेत्र में सोना सोवरण स्मारक उच्च विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अलग पहचान बनाई है, जो क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा, संताली लिपि के जन्मदाता पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संताली लिपि को उद्धृत कर संताली भाषा व संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, जिन्हें मैं नमन करती हूँ। मौके पर TTPS के DGM श्री अशोक प्रसाद ने कहा, आज का दिन ललपनिया क्षेत्र के लिए काफी गौरव का दिन है। उन्होंने कहा, ओलिचकी भाषा लिपि जन्मदाता पंडित रघुनाथ मुर्मू, जिन्होंने संताली भाषा और लिपि का उद्धृत कर संस्कृति और सभ्यता का विकास करने पर महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने शिक्षा के स्तर में स्कूल द्वारा काफी बेहतर करने पर खुशी जाहिर किया। विद्यालय के संस्थापक सह सचिव धनीराम मांझी ने कहा, जिस समय विद्यालय की स्थापना हुई उस समय क्षेत्र में एक भी विद्यालय नहीं था। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के माता पिता के नाम से नामित विद्यालय का संचालन कर क्षेत्र में संताली व गैर संताल की युवक को शिक्षा प्रदान कर जीवन स्तर ऊंचा उठाने का कार्य किया। उन्होंने कहा, मेरे स्तर से ऑलिज की लिपि व भाषा के विस्तार के लिए लगभग एक दर्जन स्कूल का संचालन कर रहा हूँ, जो कोरोना काल में काफी प्रभावित हुआ। उन्होंने TTPS सरना महाविद्यालय के परिसर में पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा लगाने की घोषणा की। साथ ही यह भी कहा कि सोना सोवरण स्मारक उच्च विद्यालय में 13 जनवरी को सोना सोवरण की प्रतिमा स्थापित किया जाएगा, जिसका अनावरण दिशोम गुरु शिबू सोरेन करने के लिए सहमति प्रदान किए हैं। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी समारोह में आने की सहमति दिए हैं। कार्यक्रम में सरना महाविद्यालय व स्कूल की छात्राओं के द्वारा झारखंड की संस्कृति पर नृत्य गीत की प्रस्तुति की गई, जिसे लोगों ने खूब सराहा। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य बलदेव महतो ने विद्यालय की उपलब्धि पर प्रकाश डाला। समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के अध्यक्ष बुधन मांझी ने किया तथा मंच का संचालन वरीय शिक्षक प्रमाणंद तिवारी ने किया। रियल मिडिल स्कूल और TTPS सरना महाविद्यालय को अस्तित्व में लाने वाले, चलाने वाले और आज तक साथ देने वाले हमारे माननीय श्री धनीराम जी हमारे बीच आज के इस मौके पर पूरे कार्यक्रम को उत्साहित करने के लिए, संयोजित करने के लिए, निर्देशन करने के लिए उपस्थित माननीय रामजी तिवारी जी बड़े ही प्रतिष्ठित हमारे इस तीनों विद्यालय महाविद्यालय के प्रशिक्षित और हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, टीचर्स, सर मैडम उपस्थित हमारे समाज के गणमान्य जो भी लोग हैं, आप सब हमारे बीच बड़े ही सुपरिचित पत्रकार मित्र भी हमारे, बहुत पुरानी मित्रता है इन लोगों से, और समाज के चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने की एक बहुत ही बड़ा इन्होंने जीमा ले रखा है, जिससे कि लोग जान सकें आज इनकी भी उपस्थिति है। आप सब लोग हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा हम तो कहेंगे अपने हृदय को दबा करके रखा है पिछले 1.5 सालों से, जिनकी उपस्थिति हम ये बात भी कर रहे थे, जिनके चेहरे की मुस्कान, किलकारियां और नृत्य को देखकर ऐसा लगता है कि फिर से इस धरती पर हरियाली आ चुकी है। कृपया एक बार इनके लिए एक शानदार तालियां हो जाए।